Hello everyone, welcome to BN class. In this class I am going to teach about the diversity in living organism, the class 9, and this is the part 1. I will bring another part for the next. So this is the part 1. Let's begin the chapters. So first of all, the living diversity, that is the different varieties of living organisms. So in these chapters, we should know the classification. Okay, तो इस chapter में सबसे ज़्यादा important चीज़ होती है कि diversity के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो अलग अलग form के बारे में बात कर रहे हैं, जो धरती में बहुत सारा जो organisms पाए जाते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमको उसको classification की ज़रूरत होती है, लेकिन उससे भी पहले जानना ज़रूरी है कि classification क्यों ज़रूरी होता है. Why we need to classify the organisms? Some of the reasons are there. उसके बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण वो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना पड़ता है. तो उस कारण को देखने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को हम अलग अलग ग्रुप में क्यों क्लासीफाई करते हैं. ठीक है, तो पहला कारण हम देखेंगे. Some microscopic bacteria are a few micrometers in size and some like whales. तो क्या होता है, इसका कारण क्या है कि कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं और कोई कोई बहुत बड़े होते हैं. ओके, कोई कोई छोटे होते हैं, कोई कोई बहुत बड़े होते हैं. तो क्या हो जाएगा, उसमें हमको क्लासिफाई नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा. सम आर द माइक्रोमीटर्स, ओके, वेरी स्मॉल इन साइज एंड सम आर द, दैट मींस कोई कोई 30 मीटर से लेकर 100 मीटर की ऊंचाई तक भी छू जाते हैं, कोई कोई माइक्रो, दैट इज माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं. तो पहला ये कारण, दैट मींस हमारे धरती पे जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है कोई बहुत छोटे होते हैं, कोई बहुत बड़े होते हैं. इस ये कारण से हम एक साथ में उनको नहीं पढ़ाई कर सकते. Okay, तो उसको हम क्या करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन करना पड़ता है. सेकंड पॉइंट को देखते हैं दोस्तों. सम पाइन ट्रीज लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. तो क्या होता है, कोई कोई प्लांट होते हैं, कोई कोई एनिमल्स होते हैं बहुत दिन तक जिंदा रहते हैं और कोई कोई बहुत फ्यू डेज. दैट मींस अगर हम बात करेंगे तो टॉर्टोइस का जो बात करेंगे और टर्टल का जो बात करेंगे, दैट इज दे लिव नियर अबाउट द 500 ईयर्स. तो 500 साल तक भी जिंदा रहता है. अगर कोई एक मॉस्किटोज का बात करेंगे, इट हैज द लाइफ स्पैन ऑफ 1 week, एक सप्ताह से 2 सप्ताह के बीच में वो मर जाते हैं. ठीक है, तो पहला सेकंड पॉइंट क्या हो गया, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके लाइफ स्पैन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. दैट्स वाई वी नीड टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, सम ऑर्गेनिजम्स आर कलरलेस एंड इवन ट्रांसपेरेंट एंड सम आर ब्राइटली कलर. इसका मतलब क्या हो जाता है, कोई कोई ऑर्गेनिजम्स का जो कलर होता है अलग हो जाता है. दैट मीन्स अभी कभी कभी आपने देखा होगा डार्क होता है, कोई कोई अलग व्हाइट कलर में भी होते हैं. तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, एक ही स्पीसीज में भी हमको ये कलर वेरिएशन देखने को मिलता है. तो हम इसलिए उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना हमने क्या सोचा, जरूरी सोचा, ताकि हमारा पढ़ाई इजी हो जाए. फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिखा गया, टू स्टडी, टू अंडरस्टैंड द स्टडी. दैट मींस ऑल दीज थिंग्स और दैट क्लासिफिकेशन व्हाई वी रिक्वायर्ड टू मेक आवर स्टडी इजी, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल. अगर हम इसको क्लासिफाई नहीं करेंगे तो हमारा स्टडी क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो गया. टू मेक इट पॉसिबल वी नीड टू क्लासिफाई और वी शुड क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस में हमको क्लासिफाई करना है, बेस्ड ऑन दियर सिमिलरिटीज इन प्रॉपर्टीज. ओके, सिमिलर कैरेक्टर्स के ऊपर में इसको सिमिलर, कुछ कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स के लेके हम उसको ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की जरूरत है. ओके, तो ये था पहला चीज जो कि हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई एक दो दिन रहते हैं, कोई बहुत साल तक जिंदा रहते हैं. ओके, कोई कलरलेस होते हैं, कोई ब्राइटली कलर होते हैं. ये सब रीजन है जिसके कारण हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई करना पड़ता है. तो अब जानने की कोशिश करेंगे कि क्लासीफाई का अगर हमको डिफिनेशन लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे. द अरेंजिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू different groups, the arranging of organisms into different groups on the basis of similarities and their similarities in their characteristics is called the classification. That means हमको grouping करना, किसका, organism का grouping करना, group बनाना, एक group like that, दूसरा इस तरह से group बनाना, किसके basis पे, उसके similar property के basis पे हम उसके ऊपर में group बनाना, उसको हम बोलते हैं classification. ओके, सो क्लासिफिकेशन एक क्वेश्चन अगर आप बन जाता है, व्हाई वी क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स, तो इसका आंसर होगा, वी क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स टू मेक आवर स्टडी इजी. ओके, इट विल बी लेस टाइम कंज्यूम. तो उसके लिए भी क्या होगा, पहला चीज तो है स्टडी इजी हो जाएगा और उस स्टडी के लिए हमको बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है, कम टाइम में ही हम अगर पढ़ लेते हैं
यदि हम उसको क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले जो हमारा जो क्लासिफिकेशन आया था, जो कॉन्सेप्ट आया था, तो हम किसके बेसिस पे, कौन सा कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम ग्रुपिंग करते थे, मतलब ऑर्गेनिज्म को कौन से कैरेक्टर्स के ऊपर में ग्रुपिंग करते थे। लेट्स सी, वन बाय वन विल डिस्कस दैट वन। तो पहला ग्रुपिंग जो था कैरेक्टर्स, हम पहला ग्रुपिंग कर रहे थे कैसा, वेदर दे आर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दैट मींस वो ऑर्गेनिज्म अगर प्रोकैरियोटिक है तो एक ग्रुप में डाल देंगे, और यूकैरियोटिक है तो दूसरा ग्रुप में डाल देंगे। ओके, ये पहला बेसिस था, मान लीजिए ये पहला क्लासिफिकेशन था। जितना भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से इसको इस ग्रुप में डाल दिया और यूकैरियोटिक को इस ग्रुप में डाल दिया, लाइक दैट, ये पहला पॉइंट। फिर इसका दूसरा पॉइंट है वेदर द सेल्स आर, दैट मीन्स सिंगली और आर ग्रुप, दैट मीन्स क्या वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। फिर हम क्या करते थे, यूनिसेलुलर है तो इसमें डालेंगे, मल्टीसेलुलर है तो इसमें डालेंगे। दैट मीन्स दो ही कैटेगरीज होता था, दो ही कैरेक्टर्स होते थे यहाँ पे, एक तो यूनिसेलुलर को ऑर्गेनिज्म को डालेंगे, यहाँ पे मल्टीसेलुलर को ऑर्गेनिज्म डालेंगे। फिर ये दो तरीका हुआ, और तीसरा तरीका क्या था क्लासीफाई करने का, वेदर दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दैट मीन्स क्या वो फोटोसिंथेसिस करते हैं या नहीं करते हैं, इसके ऊपर में, या अपना खाना बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाता है तो इस ग्रुप में डाल देंगे, और जो खाना नहीं बनाता है, दैट मीन्स मान लीजिए खाना बनाने वाला को इस ग्रुप में, खाना नहीं बनाने वाला को इस ग्रुप में, तो दैट मीन्स दो ही ग्रुप हुआ करता था। ओके, इसमें अभी तीन जो हमने डिस्कस किया, सब में दो दो ग्रुप है, दैट मीन्स एक और ये। ओके, तो यहाँ पे दो दो ग्रुपिंग का, दो दो ग्रुप हो रहा था, कोई भी ऑर्गेनिज्म को दो दो ग्रुप कर रहे थे। देन फोर्थ देखते हैं, द लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि उस जो लिविंग ऑर्गेनाइजम के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, वेदर ये सिंगल सेल है या टिश्यू लेवल का है या ऑर्गन लेवल का है या ऑर्गन सिस्टम का है या कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है, उसके ऊपर में हम क्या करेंगे, दो ग्रुपिंग करेंगे। अगर टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, लाइक दैट। ओके, तो उस तरह से अलग अलग करके हम उसको ग्रुपिंग करते हैं। तो ये था बेसिक, कौन किस बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, वेदर दे आर मेड अप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दूसरा क्या है दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, और तीसरा दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड और नॉट, एंड द लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन में क्या रिलेशन होता है। ओके, क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन तो अभी हमने बताया ग्रुपिंग, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग करना। तो फिर ये ग्रुपिंग, हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करते हैं तो इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है। ओके, उसका क्या रिलेशनशिप है, दैट मीन्स सबसे पहले इवोल्यूशन जानने की कोशिश करेंगे। इवोल्यूशन मतलब एक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो बहुत सालों के बाद इसका बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इसका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, बाय द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो एनवायरनमेंट के साथ में एडजस्टमेंट करने के लिए इसका ये जो ऑर्गेनिज्म था, इसका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब चेंज ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर विद द टाइम और चेंजिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट चेंजिंग के साथ साथ में अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को भी चेंज करना, तो उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। तो देखते हैं इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, मतलब ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन साथ में क्या रिलेशन है। सबसे पहले द बॉडी डिजाइन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ग्रेजुअली चेंजिंग ड्यू टू द चेंज इन एनवायरनमेंट, दैट मींस इसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। उसका बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज हो रहा है, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ में उसका क्या हो रहा है, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है कोई भी ऑर्गेनिज्म का, वो होता है इवोल्यूशन। ओके, तो सम ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैविंग एंसाइंट बॉडी डिजाइन, एंसाइंट मतलब बहुत सिंपल बॉडी डिजाइन, ओके, हैव नॉट चेंज मच ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, मतलब उसका शरीर इवोल्यूशन के पीरियड में चेंज नहीं हुआ, जैसा पहले था। मान लीजिए ये पहला ऐसा इसका स्ट्रक्चर था, मतलब उसका थाउजेंड्स ईयर के बाद भी क्या है, स्ट्रक्चर सेम है, दैट मीन्स कोई स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हुआ उस टाइप के, दैट मीन्स इवोल्यूशन नहीं हुआ। इवोल्यूशन नहीं हुआ, उस इवोल्यूशन नहीं होने के कारण उसका क्या ऑर्गेनिज्म, क्या स्ट्रक्चर है, प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिजम्स, तो वो प्रिमिटिव बन के रह गया। That means there is no change in body in during the process of evolution. Okay? याद रखेंगे इसको, उसको हम सिंपल और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। फिर दूसरा पार्ट को देखते हैं, सम ऑर्गेनिजम्स हैव एक्वायर्ड देयर बॉडी डिजाइन, लेकिन कोई कोई ऑर्गेनिज्म क्या हुए, अपने बॉडी डिजाइन को चेंज कर दिए रिलेटिवली रिसेंटली एंड हैव कॉम्प्लेक्स फॉर्म, दैट मीन्स जैसे इन्वायरमेंट कंडीशन चेंज होते गया उन्होंने अपने बॉडी डिजाइन को चेंज कर दिया, ने बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज करके क्या हो गया, एडवांस और हायर ऑर्गेनिज्म बोला गया उसको। ठीक है, तो अब हम ये देखिए, इसको अगर हम बात करेंगे दो ग्रुपिंग अगर हम करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एक को एडवांस में हम रख सकते हैं
एक को किसमें रख सकते हैं, एक को प्रिमिटिव में रख सकते हैं, लाइक दैट। तो दैट मीन्स जिसका बॉडी डिजाइन बहुत सिंपल है और जिसका कॉम्प्लेक्स, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो दैट मीन्स इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन का ये रिलेशनशिप है, ठीक है। ये था इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। देन फिर हम देखते हैं, अब कोई भी ऑर्गेनिजम्स का जो क्लासिफिकेशन जो होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो उसको वन बाय वन, दैट मीन्स ऊपर से इस तरह से हम आगे में क्लासिफाई करते हैं, दैट मीन्स ग्रुपिंग ग्रुपिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो आया था, हम जो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है धरती में, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग पांच पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब उसको नाम दिया गया है किंगडम। और ये पहला जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये किंगडम वाला सिस्टम का डिस्क्रिप्शन दिया था, दैट इज उन्होंने एक्सप्लेन किया था, ओके एक्सप्लेन किया था, तो वो थे रॉबर्ट विटाकर। वो कौन थे? रॉबर्ट विटाकर, ठीक है। रॉबर्ट विटाकर ने सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है ना। तो रॉबर्ट विटाकर के हिसाब से हमारे पास कितना टाइप का, मतलब कितना ग्रुप में हमने डिवाइड किया, पांच ग्रुप में डिवाइड किया। सबसे पहला है मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, टी ए लास्ट में यहाँ पे ए है, एक छूट गया है, ओके प्लांटी में ए एन ई, ओके प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है ना। ये पांच ग्रुप, दैट मीन्स पांच किंगडम में लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया, ओके किंगडम में। उसके बाद ये जो किंगडम है, किंगडम को भी हमने छोटा छोटा करके डिवाइड करने की शुरू कर दिया, दैट मीन्स जो किंगडम है, अगर हम किंगडम को और पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको फाइलम बोलते हैं, इन केस ऑफ एनिमल्स। अगर एनिमल्स का स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको फाइलम बोलेंगे, अगर प्लांट का स्टडी कर रहे हैं तो उसको डिवीजन बोलेंगे, ठीक है। फिर अगर फाइलम को हमको और छोटा डिवाइड करना होगा तो उसको हम क्लास बोलेंगे, फिर क्लास को और डिवाइड करेंगे तो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर को और डिवाइड करेंगे तो फैमिली हो जाएगा, फैमिली को और डिवाइड करेंगे तो स्पेसी जेनस, एंड जेनस को और फर्दर डिवाइड करेंगे तो स्पेसीज। इसका मतलब है बहुत सारा स्पेसीज मिलके जेनस बनता है, बहुत सारा जेनस मिलके फैमिली बनता है, बहुत सारा फैमिली मिलके ऑर्डर बनता है, बहुत सारा ऑर्डर मिलके क्लास बनता है, एंड बहुत सारा क्लास मिलके फाइलम या डिवीजन बनता है, और बहुत सारा फाइलम और डिवीजन मिलके क्या बन जाता है, आपका किंगडम बन जाता है, ओके। तो एक किंगडम, तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट विटाकर, उन्होंने ऑर्गेनिज्म को पांच ग्रुप में डिवाइड किया, दैट मीन्स पांच किंगडम में डिवाइड किया, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है। फिर और लास्ट वाला ग्रुप जो है स्पीशीज, इसका क्या डिफिनेशन होगा, स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर सिमिलर इनफ टू ब्रीड एंड परपेचुएट, दैट मीन्स ये सबसे, दैट मीन्स अगर हम किसी स्पीशीज का बात करते हैं तो दो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो इसमें ज्यादा सिमिलरिटीज पाया जाएगा, दैट मीन्स उनका कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा सिमिलर होगा, ठीक है। दो स्पीशीज के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत क्या होगा, सिमिलर हो जाएंगे। मतलब मान लीजिए अगर एक स्पीशीज है, उस स्पीशीज के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, तो उस ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या हो जाएगा, उसका कैरेक्टर्स, दैट मीन्स दिखने कैसा दिखता है, कैसा क्या चीज खाता है, ये सारा सिमिलर कैरेक्टर्स में आ जाता है, दैट मीन्स द लास्ट इज द स्पीशीज। अब हम उसको स्पीशीज को हम फर्दर नहीं डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये था पहला पार्ट। तो दूसरा पार्ट में मैं आपको आगे वाला पोर्शन बताऊंगा कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैं इस चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाला वीडियो में आपको मैं सारा पार्ट लेके आ जाऊंगा, तो इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।